तो हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज इस वीडियो के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, वो है आपका मैनेजेरियल रोल्स बाय मिंसबर्ग। ठीक है, मिंसबर्ग के अकॉर्डिंग मैनेजेरियल रोल्स क्या है, एक मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं, वो उन्होंने दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है एज पर योर एनईबी। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अलग अलग नेम से है ये बीकॉम बीबीए में, बट सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट। सो हम इसको देखते हैं। सो मैनेजेरियल रोल बाय मिंसबर्ग का क्या है, हेनरी मिंसबर्ग एक रेनॉर्ड मैनेजमेंट स्कॉलर हैं जिन्होंने 10 मैनेजेरियल रोल्स दिए हैं। ठीक है, एक मैनेजमेंट के अच्छे जाने माने स्कॉलर हैं जिन्होंने 10 मैनेजर रोल दिए, मतलब मैनेजर के 10 रोल दिए जो एक मैनेजर को परफॉर्म करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल। तो ठीक है, अब हम देखते हैं क्या रोल्स हैं इनके। पहले जो 3 रोल हैं वो इंटरपर्सनल रोल्स में आएंगे आपके। ठीक है, वो 3 रोल क्या है। पहला है फिगर हेड। इंटरपर्सनल रोल क्या है, मतलब आपस में इंटरेक्ट करने वाला एक रोल, जहाँ पे ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपस में बातचीत होगी, ऐसे रोल हैं इनके ये। इसमें पहला है फिगर हेड। फिगर हेड मतलब क्या है कि कोई एक हेड की तरह एक्ट करता है ये मैनेजर, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल की तरह एक्ट करता है। इन दिस रोल मैनेजर सिंबलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक पार्ट इन सेरेमोनियल एक्टिविटीज, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज में एज अ फिगर हेड पार्टिसिपेट करता है, एक सिंबल के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है, जो कि मेन एक्टिविटीज होती है या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या इवेंट होते हैं। तो वहां पर एक वो सिम्बॉलिक लीडर की तरह आता है, देखता है चीजों को, अपने आपको प्रेजेंट करता है और वो चला जाता है। डॉक्यूमेंट को साइन करना, मतलब कि डॉक्यूमेंट को साइन करना तो उसके ही साइन चाहिए वहां पे, तो एक वो सिंबॉलिक लीडर की तरह वहां पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी में एज अ पार्ट नहीं कर रहा है इस रोल में, इस रोल में वो एक सिंबल की तरह एक्ट कर रहा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिगर हेड वाला एक इनका रोल होता है जो इंटरपर्सनल में आएगा, जो कहता है कि एक मैनेजर को एक फिगर हेड की तरह एक्ट करना है, एक सिंबल की तरह एक्ट करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लाइक अपने जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल, स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन ले, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एक सिंबल की तरह एक्ट कर रहा होता है। वो आपने देखा होगा कि जो मेन मेन एक्टिविटीज होती है आपके स्कूल में, लाइक कोई इवेंट है, एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे वो आएगा, उसको अटेंड करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे उसको साइन करेगा, तो वो एक फिगर हेड वाला रोल है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल रोल में मैनेजर को एक लीडर की तरह भी एक्ट करना है। लीडर क्या है, जो लोगों को लीड करेगा, जो उनको डायरेक्शन देगा, उनको गाइडेंस देगा, अपनी टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अपने वर्कर्स को, तो एक लीडर की तरह भी मैनेजर को एक्ट करना होता है, एक फिगर हेड की तरह भी वर्क करना होता है, एक लीडर की तरह भी उसका एक रोल होता है। नेक्स्ट इज लियोजॉन। मैनेजर सर्व एज अ लियोजॉन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। लियोजॉन मतलब क्या होता है कि ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेक होल्डर के बीच में, मतलब कि आप मान लो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, इनके बीच में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन की तरह एक्ट करता है। लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उसको बातचीत रिप्रेजेंट करनी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, उनके साथ काम करना है, या स्टेक होल्डर हो गया, लाइक जो इन्वेस्टर है आपके, जिसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपना के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ जो बातचीत करना है, एक अपनी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है वो उनके साथ रखनी है, उनकी बात अपने तक रखनी है, तो ये मैनेजर का काम है एज अ लियोजॉन। ये नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नए नए क्लाइंट्स लाते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं। तो एज अ इंटरपर्सनल रोल इनके 3 काम है। एक फिगर हेड का काम है कि आपको एक सिंबल की तरह एक्ट करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को अटेंड करने है, वहां पे इंपॉर्टेंट जो भी आपको बातचीत है वो करनी है, साइन करने हैं डॉक्यूमेंट वगैरह। लीडर की तरह आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, इंटरेक्ट करते रहना है, उनको लीडरशिप देनी है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है। और लियोजॉन की तरह आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो आउटसाइड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके साथ आपकी कनेक्शन, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, या जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी आपको बातचीत करनी है, नेटवर्क बिल्ड करने हैं और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने हैं। तो ये है इंटरपर्सनल रोल्स। नेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग मैनेजर के इंफॉर्मेशनल रोल्स भी होते हैं। वो क्या है, इन्फॉर्मेशनल रोल्स वो जहाँ पे वो एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स की तरह एक्ट कर रहा हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो।
तो पहला है मॉनिटर। मॉनिटर करता है मतलब कि मैनेजर जो है इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, चाहे वो बाहर से ला रहे हूँ या अंदर से इन्फॉर्मेशन ला रहे हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट रखते हैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे इन्फॉर्म अबाउट द डेवलपमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प देम मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मतलब वो मॉनिटर करते रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को देखते रहते हैं, बाहर से क्या इन्फॉर्मेशन है, अंदर से क्या इन्फॉर्मेशन है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में वो इन्फॉर्म्ड रहते हैं, तो मॉनिटर कर पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे कि सही से चल रही है या नहीं चल रही है। नेक्स्ट इज डिसेमिनेटर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब कि इस रोल में डिसेमिनेटर मतलब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं टीम के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्यों, ताकि जो भी लोग हैं वो इन्फॉर्म्ड रहे कि क्या चल रहा है। दे एक्ट एज अ कैंडिडेट फॉर ट्रांसमिटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डैट कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, और जो भी इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस को या उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्पोक्स पर्सन की तरह भी एक मैनेजर को वर्क करना होता है, दैट इज मैनेजर रिप्रेजेंट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के सामने, लाइक गवर्नमेंट हो, एजेंसी हो, इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, वहां पे वो एक स्पोक पर्सन की तरह वर्क करेगा, मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या मिशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या पोजीशंस हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसी अगर जाना चाहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस है, तो वो वहाँ पे स्पोक्स पर्सन की तरह उसको बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी एक उसका इन्फॉर्मेशनल रोल है। नेक्स्ट है डिसीजन रोल, मतलब कि एक मैनेजर जो है वो डिसीजन रोल भी लेता है, जहां पे वो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की तरह वर्क करेगा, डिसीजन लेगा लोगों के लिए, अपने लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो है पहला एक एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करना, मैनेजर एक्ट एज अ एंटरप्रेन्योर व्हेन दे इनिशिएट एंड ओवरसी न्यू प्रोजेक्ट इनोवेशन और इंप्रूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो एक नई अपॉर्चुनिटी नए आइडियाज के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, नए इंप्रूवमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो मैनेजर का भी काम एक एंटरप्रेन्योर की तरह है, वो इनिशिएट करते हैं कि हम कुछ न्यू करें, कुछ इनोवेटिव करें या कुछ नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ और चेंजेस के लिए उसके बारे में देखता है एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक इस रोल की तरह। डिस्टर्बेंस हैंडलर, मतलब कोई भी अगर आपको लग रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैनेजर उसको रिजॉल्व भी करता है, वो एक डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह भी वर्क करता है। कोई भी उसको लग रहा है कि कोई भी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेगा कि क्या हम कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर, एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है कि रिसोर्स को एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके अकॉर्डिंग, बजट, टाइम, ह्यूमन कैपिटल टू वेरियस प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, लाइक जो भी रिसोर्स है, लाइक कितना पैसा एक प्रोजेक्ट में लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए, कितने लोग लगने चाहिए, वो सब वो डिसीजन लेगा कि कैसे कैसे हम रिसोर्स को प्रॉपरली क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह भी एक मैनेजर को काम करना है। लास्ट इन्होंने दिया वो है नेगोशिएटर, कि इन दिस रोल मैनेजर इंगेज इन नेगोशिएशन बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल। एक नेगोशिएटर का काम करेगा मैनेजर, लाइक कोई भी अगर मैनेजमेंट है या मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और अगर आपका वर्कर्स है, इनके बीच में कोई भी बातचीत को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि नहीं सैलरी इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए और लेबर अलग से डिमांड करेंगे आप बढ़ाइए, वो कह रहे हैं मैनेजमेंट हम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो एक नेगोशिएटर की तरह एक्ट करना कि यहाँ की बात वहाँ ले जाना, वहाँ की बात यहाँ आना, ताकि आपस में बातचीत होकर कुछ सोल्यूशन आ पाए जिसमें दोनों लोग एग्री हो पाए, वो एक नेगोशिएटर के तरह भी काम करता है। तो एक नेगोशिएटर की तरह ऐड करना, एक एंटरप्रेन्योर की तरह ऐड करना, डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह, रिसोर्स एलोकेटर की तरह ऐड करना, ये उसके डिसीजन रोल में है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल रोल्स में हमने डिस्कस किया, और ये हमने डिस्कस किया इंटरपर्सनल रोल की क्या हो सकते हैं। तो ये क्या है कि एक मिंट्सबर्ग के अकॉर्डिंग ये 10 रोल्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता ही करता है। तो उसको अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने बता दी कि क्या क्या रोल हो सकते हैं जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। नेगोशिएटर मतलब अगर नहीं आया तो फिर से बोल रही हूँ, नेगोशिएटर में यही होता है कि नेगोशिएशन करते हैं, लाइक बार्गेनिंग आपने देखी होगी कि आप कुछ और कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, तो लेबर कुछ और कह रहे हैं और टॉप लेवल कुछ और कह रहा है, तो उन दोनों के बीच में समझौता कराना ताकि जो भी डिसीजन है वो हो पाए और दोनों लोग उससे सहमत हो पाए, तो वो एक नेगोशिएटर की तरह काम करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।